दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जिसे हिंदुस्तान की आन बान और शान कहा जाता है। दोस्तों हम लेकर आए हैं आपको अमृतसर गोल्डन टेम्पल। जी हाँ, ये पूरा गोल्डन टेम्पल को हम आपको घुमाने वाले हैं और ये यहाँ का ये एंट्रेंस गेट है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। अगर आप यहाँ पर आकर रुकते हैं तो बहुत ही वाजिब दाम में आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। होटल्स भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो चलिए पहले यहाँ का भ्रमण करते हैं, फिर आपसे रूबरू होते हैं। तो दोस्तों हम लोग रात्रि में अमृतसर पहुंच गए थे और यहाँ पर पहले हमने सोचा अपनी YouTube फैमिली को पहले दिखाते हैं यहाँ पर रात्रि में गोल्डन टेम्पल के आसपास की जगह कितनी खूबसूरत नज़र आती है। ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बनारस भी में भी ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन सब किया हुआ है। और इसके जस्ट पास में ही जलियांवाला बाग है। ये आप जो सामने जो मूर्ति देख रहे हैं इसी के अपोजिट साइड में ही आप गोल्डन टेम्पल अगर आप आ जाते हैं तो आपको जलियांवाला बाग के लिए अलग कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर जलियांवाला बाग है। और ये यहाँ के आसपास की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं रात्रि के समय में। और रात्रि के बाद फिर सुबह हम लोग भी दर्शन करने के लिए जाएंगे और आप भी हमारे साथ में दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये लीजिए, सुबह हो चुकी है और ये जगह दिन में आप ये देख सकते हैं किस तरह से लगती है। और यहीं पास ही में जलियांवाला बाग है। पहले चलिए हम आपको पहले दर्शन कराते हैं गोल्डन टेम्पल के, उसके पश्चात आपको लेकर चलेंगे जलियांवाला बाग। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ही कलर में सब लिखा हुआ है और बहुत ही एक ही तरह का कलर सभी दुकानों पर किया गया है दोस्तों, ताकि इस जगह की खूबसूरती वाकई ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें हमारा आना भी काफ़ी बरसों के पश्चात दोस्तों गोल्डन टेम्पल देखने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले आए थे करीबन 15 साल पहले, लेकिन अब बहुत ही खूबसूरत इस जगह को दोस्तों बना दिया गया है। ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें देख सकते हैं एक ही कलर में सबको खूबसूरत लगता है। ऐसे ही बनारस है, बनारस का वीडियो भी अगर आप ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में देख सकते हैं तो लिंक भी हम डाल देंगे। आप देखना चाहेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको भी और हमें भी खुशी होगी। तो चलिए पहले हम आपको गोल्डन टेम्पल के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जगह और मन को शांति देने वाली जगह, ईश्वर का जो स्थान होता है, भले या मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारा या चर्च चले जाएं दोस्तों, असीम शांति का अनुभव होता है। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं ऐसी जगह पर, सभी लोग ईश्वर के ध्यान में रहते हैं, इसीलिए बड़ा ही आनंद आ जाता है इस तरह की जगहों पर जाने में दोस्तों। और बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर आकर आप ठहर भी सकते हैं, होटल से बहुत ही सस्ते कम और वाजिब दाम में यहाँ पर आकर आप स्टे कर सकते हैं। हालांकि हमने होटल में स्टे किया था, रात्रि में आए थे, और यहाँ पर आकर होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। 1000 रुपये में आपको अच्छा डबल बेड रूम मिल जाएगा। और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये फाउंटेन और बहुत ही खूबसूरत। और अब हम अंदर आपको लिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए पानी से पैरों को साफ किया जाता है, यहीं से हर एक इंसान को होकर गुजरना पड़ता है ताकि आपके पैर में जो भी धूल कचरा है सब साफ हो जाए। उसके पश्चात फिर अंदर एंट्री की जाती है। और चलिए अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं जहाँ पर कि मेन जो है गोल्डन टेम्पल है दोस्तों। और ये आप भी हमारे साथ में अंदर जा रहे हैं, बहुत ही मन को लुभावने वाले दृश्य रहते हैं दोस्तों इस तरह से। और ये सिर पर आपको दोस्तों ये सभी के लिए रुमाल अनिवार्य रहता है और हमने भी ये ले लिया है। और अंदर प्रवेश कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। और ये पूरा गोल्डन टेम्पल का खूबसूरत और मनोहर दृश्य, वाकई ही हिंदुस्तान की शान है दोस्तों गोल्डन टेम्पल भी।
और बहुत ही शांति का अनुभव होता है दोस्तों यहाँ पर आकर। और यहाँ पर जो है पाठ निरंतर चलता रहता है, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाकई ही बहुत ही खूबसूरत और मन को बहुत ही असीम शांति का अनुभव होता है। और ये पूरा का पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वे पानी के बीच में दोस्तों यहाँ पर मछली किस तरीके से तैर रही है, ईश्वर की लीलाओं को आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये पूरा वाइडर शॉट हम आपको दिखाते हैं पहले किस तरीके से अंदर ये बना हुआ है दोस्तों, ये गोल्डन टेम्पल हमारे देश की शान दोस्तों। और धार्मिक स्थलों में तो बहुत ही मान्यता दोस्तों इसको दी गई है, और हिंदुस्तान का वर्ल्ड से हर एक जगह से यहाँ पर इंसान दर्शन करने के लिए आता है। और अमृतसर में दोस्तों तीन जगह घूमने के लिए ज़्यादातर चर्चित है, एक तो गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। इसके पश्चात हम आपको अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर का वीडियो भी आपके लिए पेश किया जाएगा, और वहाँ का वातावरण भी आप देखेंगे तो आनंद से बोलेंगे कि हमारा हिंदुस्तान वाकई ही हिंदुस्तान है। इसीलिए हर मज़हब का इंसान यहाँ पर निवास करता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसीलिए तो कहा गया है सभी लोग मिलकर आपस में रहेंगे भाई भाई। तो यही हमारे देश की शान है दोस्तों, हर एक मज़हब का लोग, हर एक मज़हब के व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं और आनंद के साथ में हर त्यौहार को मनाते हैं। और सभी व्यक्ति प्रेम भाव से रहते हैं, हर मज़हब हमें यही सिखाता है कि आपस में प्रेम भाव से रहें, जितना भी आप प्रेम भाव से रहेंगे उतना ईश्वर के करीब रहेंगे। लड़ाई झगड़ों में तो कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, जितना प्यार बांटेंगे आपके पास वो लौट कर आएगा। और ये हम आपको बाहर लेकर आ चुके हैं, बाहर आने के पश्चात भी आपके पैर साफ हो जाते हैं दोस्तों। और ये बाहर का दृश्य अब हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके पश्चात हम आपको लेकर जाएंगे सेकंड डेस्टिनेशन पर दोस्तों। ये है अमृतसर की सेकंड डेस्टिनेशन, जिसे कि जलियांवाला बाग कहा जाता है। और चलिए इस जगह को घूमते हैं और आप भी हमारे साथ में घूमेंगे। तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग के अंदर जो है ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार यहाँ पर किया था। यहाँ पर ये प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बताया गया है किस किस तरीके से यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको संग्रह करके बनाया गया है बहुत ही अच्छी। और ये पूरा का पूरा व्यू हम आपके लिए दिखा रहे हैं अंदर, ये पूरा डिटेलिंग यहाँ पर पंजाबी में भी लिखा हुआ है। और ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किन किन लोग कौन कौन लोगों ने यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य किए। और ये पूरी प्रदर्शनी को आपने देखा और ये पूरी परिक्रमा हम आप लोगों को करा रहे हैं जलियांवाला बाग की, यहाँ पर क्या क्या जगहें हैं वो सारी बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो हमारे संग आप लोग घूमिए, हम आपको पूरा जलियांवाला बाग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। आप घर बैठे हमारे वीडियो के जरिए आप भी घूम सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि हमको पता तो चले हम जो ये सीरीज़ बना रहे हैं ये सीरीज़ आप लोग को कैसी लग रही है। सारी सीरीज हम घूम रहे हैं, हमारे संग आप हर जगह घूमेंगे, हम जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह आप हमारे संग जाएंगे और हर जगह आप हमारे संग खूब अच्छे से घूमेंगे। हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि क्या क्या जगह अमृतसर में है। पहले हमने आपको दिखाया है गोल्डन टेम्पल, अब हम लाए हैं आपको जलियांवाला बाग। इसके बाद भी कहाँ जाएंगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं। और जलियांवाला बाग की खूबसूरती भी वाकई ही बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इसको बनाया गया है। और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर देश विदेश से दोस्तों यहाँ पर आते हैं, और ये आप पूरा जलियांवाला बाग को और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर देश विदेश से दोस्तों यहाँ पर आते हैं
और ये आप पूरा जलियावाला बाग को हम पूरी परिक्रमा करके आपको दोस्तों एक एक पल पल की खबर आपको देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको कि हमारे देश में आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरती के जलियावाला बाग। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो जो हुआ है उसकी यहाँ पर सारी घटनाएं घटित हुई है और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी आपको जलियावाला बाग की मिल जाएगी। और ये जलियावाला बाग का पूरा वाइडर शॉट ये देख सकते हैं आप, पूरा वाइडर शॉट किस तरीके से जलियावाला बाग दोस्तों ये लगता है और बहुत ही खूबसूरत। और आप हमारे साथ में और हम आपके साथ में घूम रहे हैं अमृतसर का जलियावाला। तो ये पूरा जलियावाला बाग बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और ये जस्ट बिल्कुल गोल्डन टेंपल के बाजू में ही स्थित है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पास ही में ये जलियावाला बाग को आप देख सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के अंदर से ही रास्ता बना है और यहाँ पे ये कुआं है, देखिए जहाँ पे लोगों को किया गया था बहुत सारे लोग। दोस्तों ये कुआं है जिसमें कि 120 लोगों की जाने चली गई थी जब जनरल डायर ने फायरिंग शुरू की थी। तो यहाँ पर जान बचाने के लिए लोग इस कुएं में कूद गए थे और 120 लाशें इस कुएं में से निकाली गई थी। और यहाँ पर पूरा ये दर्शाया भी गया है, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये कुएं का दृश्य, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आप भागते भागते कुएं में गिर पड़ने के कारण 120 मृतक शरीरों को। दोस्तों ये जो पीछे हमारे पीछे जो आप ये कुआं देख रहे हैं, यहाँ पर 120 लोग इसके अंदर जो जनरल डायर ने जब फायरिंग की थी उसका इतिहास तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, जलियावाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर इसके अंदर इस कुएं के अंदर 120 लोग गिर गए थे और उनको 120 लोगों की लाशें इसके अंदर से निकाली गई थी। और अब हम आपको दिखाने लेकर जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर गोलियों के निशान आज भी अंकित है यहाँ पर दोस्तों, ये जलियावाला बाग में। तो चलिए आपको गोलियों के निशान दिखाते हैं। और ये है दोस्तों वो उस समय के उस जमाने के गोलियों के निशान जो उस समय लोगों पर चलाई गई थी दोस्तों। ये आप गोलियों के निशान को आप ये देख सकते हैं, चलिए थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। ये गोलियों के निशान आज भी यहाँ पर अंकित है दोस्तों, किस तरीके से जनरल डायर ने अत्याचार करके लोगों पर। और ये तभी से दोस्तों ये यहाँ पर ये जलियावाला बाग हत्याकांड इतिहास में तब से ही दोस्तों इस जगह को, हालांकि बड़े ही दुख होता है कि हाँ किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से यहाँ भागे होंगे और किस तरीके से उन्होंने, देखिए हमारे देश को आज़ादी किस तरीके से मिली, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसीलिए हमारे देश में सभी को प्रेम भाव से आपस में रहना चाहिए दोस्तों, इसी का नाम तो जिंदगी। तो जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये शहीदों की याद में स्मारक दोस्तों ये बनाया गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है ताकि जो यहाँ पर लोग शहीद हुए थे और यहाँ पर लोग आते हैं दोस्तों ना जाने कहाँ कहाँ से, भारतवर्ष का पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों। और सभी लोगों के लिए हमारी दिल से श्रद्धांजलि दोस्तों, सभी लोग जिन्होंने यहाँ पर बलिदान किया, ईश्वर उनको शांति दे यही कामना करते हैं। और पर ये आपने आज हमारे साथ में जलियावाला बाग का भ्रमण किया, ये बिल्कुल गोल्डन टेंपल के बिल्कुल करीब में ही स्थित है। तो दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शहीद स्मारक जो है जलियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों
जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और आपने यहाँ पर देखा वो कुआ जिसमें कि 120 लोग मर गए थे दोस्तों, उसमें अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर कूद गए थे, उनकी लाशें निकाली गई थी फिर उसके पश्चात, और जो बाहर लोग थे तो उनको गोलियों से भून दिया गया था। तो ये जलियांवाला बाग, आप ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के साइड से ही रास्ता है, बिल्कुल बाजू में ही स्थित है। यहाँ पर काफी अच्छा डेकोरेशन करके इसको मेंटेन किया हुआ है दोस्तों, ताकि सभी लोग आएं और ये जलियांवाला बाग में आएं और हमारे देश को किस तरीके से आज़ादी मिली थी, कितने संघर्ष करने के पश्चात, ये सारी बातों की जानकारी हर एक भारतवासी को, हर एक भारत में रहने वाले व्यक्तियों को होनी चाहिए। इसीलिए ये सब यहाँ पर ये बनाया हुआ है दोस्तों बहुत बरसों से, और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। कोई भी टिकट नहीं है इस यहाँ पर आने के लिए, ना ही आपको गोल्डन टेंपल में जाने के लिए टिकट है, ना यहाँ पर जलियांवाला बाग में अंदर आने के लिए टिकट है, और ना ही आपको बाघा बॉर्डर में टिकट लगेगा दोस्तों। और पूरा भ्रमण इसके पश्चात भी हम वीडियो डालेंगे, और आप ऐसा ही अपना प्यार बरकरार रखिए दोस्तों, और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और ये चलिए अभी यहाँ पर एक और जगह बाकी है, वो हम आपको दिखाते हैं और पूरा दिखाते हैं यहाँ पे कौन सी जगह है दोस्तों। और ये आप ये देख सकते हैं, ये अमर ज्योति दोस्तों, ये हमेशा जलती रहती है, जो कि लोग यहाँ पर अमर ज्योति यहाँ पर ये हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, और हम भी भ्रमण पर है और आपको घुमाते रहेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे आपसे। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। चलिए।